शिवान के व्हाइट हाउस में राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में जिला अध्यक्ष परमात्मा राम रघुनाथपुर, राजद के विधायक सहित तमाम नेता एवं कार्यकर्ता शिरकत किए। राजद के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया गया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलता को बताएंगे और राजद ने अपने सरकार में क्या काम किया और क्या विकास किया इसको ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को बताने के काम करेंगे। जिला कमेटी की जो बैठक आज बुलाई गई है, ऐसे तो मासिक बैठक हमेशा होते रहती है लेकिन आज विशेष रूप से चूंकि मिशन 2019 यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए बिना साफ जिताने के लिए हम लोग रणनीति तय करने के लिए यहाँ पर गए, इसलिए तय हुआ पीएल सौंप दी गई है यहाँ जिला पदाधिकारी के यहाँ और कुछ पार्टी है उसकी मांग की गई है उसकी सूची भी आप दे दीजिए। बात है कि पीएलओ और सक्रिय करने के लिए मॉक पोल की जानकारी देने के लिए बातें बताई गई है और सभी लोगों को जा करके जो केंद्र और राज्य की सरकार है इनकी जो है विफलताओं को बताने के लिए जो यहाँ लोगों को बताया गया है और अपने हम सरकार में क्या क्या किए हैं उन उपलब्धियों को बताया गया है, आगे हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, सिवान का अलग भविष्य बना सकते हैं, सिवान में अमन चैन शांति का विकास काम कर सकते हैं,